मनोहर सरकार का आखिरी विधानसभा सत्र लगभग संपन्न हो गया और जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने 5 साल में किए गए कामों का बखान भी किया। जाहिर तौर पर सदन की कार्यवाही कैसे चली इस बारे में जानते हैं। शर्मा जी, आपने सारा देखा और फिर अभय सिंह चौटाला ने वही कहा कि SYL और मुख्यमंत्री ने जवाब भी दिया, ओवरऑल पूरी कार्रवाई को किस तरह से देखते हैं? देखिए, इस बार जो सत्र है ये हमने पूरे 5 वर्ष में अपनी परफॉर्मेंस का जिक्र किया। एक एक के जो परफॉर्मेंस है उसका उल्लेख हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में किया। हम सब रोजाना इस सदन में एक बात देखने को मिली कि विपक्ष के लोग, जैसे मुख्यमंत्री जी ने कहा हुड्डा जी को कि भाई आप मेरे जवाब को सुनने के लिए रहना, और वो नहीं रहे और फिर किरण चौधरी भी चली गई। परंतु हमने अपनी सरकार का 5 वर्ष का जो एक रिपोर्ट कार्ड है, एक जो हमारी परफॉर्मेंस है हर फील्ड में, उसका पूरा ब्यौरा दिया, हम इससे संतुष्ट हैं। एक बात और सर, खासकर देखा जाए तो अब रिपोर्ट कार्ड के साथ साथ आपने कहा कि जो मैनिफेस्टो में नहीं था वो भी आपने पूरा करने की कोशिश। हाँ, हमने किया। बहुत से ऐसे महत्वपूर्ण काम हैं जो मैनिफेस्टो में नहीं थे, जैसे हमने केरोसिन मुक्त किया हरियाणा को, ये हमने मैनिफेस्टो में नहीं डाला था। हमने और बहुत सी बातें थी जो मैनिफेस्टो में नहीं थे परंतु हमारे संज्ञान में आई, उनके ऊपर हमने काम किया। अगली बार आने को लेकर के भी चर्चा चली, जैसे आपने कहा कि जो अंदर लोग बैठे हैं वो उनमें से देखना दिलचस्प होगा कौन कौन लोग अगली बार यहाँ पर आते हैं। और मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा कि अब जो सवाल उठा रहे हैं अगली बार सवाल रखें, यहाँ पहुँचे तो सही जवाब दें। ये तो देखिए जनता जनार्दन के हाथ में है। तो आपने सुना, दरअसल जाहिर तौर पर रामविलास शर्मा ने साफ तौर पर कहा कि इस सदन में उन्होंने अपने तरीके से पूरे 5 साल के काम का ब्यौरा रखा ताकि ये बताया जा सके कि उनकी सरकार ने लोगों के लिए क्या भलाई के काम किए। कुमार रमेश, R9 TV, चंडीगढ़।